नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 39 नए केस दर्ज हुए हैं और 195 मौत हुई है। ये अब तक सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौत है, जबकि 1020 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक अभी देश में मरीजों का डबलिंग रेट 12 दिन है, जबकि रिकवरी रेट 27.41 है। अग्रवाल ने बताया कि देश भर में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 46,433 पर पहुंच गया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो रही है। 64 फ्लाइट्स के जरिए अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को भारत लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच गया है। इंदौर में सबसे अधिक 1,611 संक्रमित हो गए हैं, जबकि भोपाल में 563, उज्जैन में 166, जबलपुर में 98, खरगोन में 77, रायसेन में 59, धार में 55, खंडवा में 47, होशंगाबाद में 36, मंदसौर में 36, बुरहानपुर में 34, बड़वानी में 26, देवास में 26, रतलाम में 16, मुरैना में 16, विदिशा में 13, आगर मालवा में 12 संक्रमित हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 165 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सबसे अधिक 77 मौत इंदौर में हुई है। इसके अलावा उज्जैन में 35, भोपाल में 15, खरगोन और देवास में 7-7, खंडवा में 6, होशंगाबाद, रायसेन, मंदसौर में 3-3, धार, जबलपुर, आगर मालवा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अशोकनगर में 1-1 की मौत हुई है। जबकि अच्छी खबर ये भी है कि प्रदेश में अब तक 856 संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जिनमें इंदौर में सबसे अधिक 362, भोपाल में 266, खरगोन में 36, खंडवा में 32, होशंगाबाद में 19, उज्जैन में 18, जबलपुर में 12 ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संबल योजना शुरू कर दी। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 41 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अन्य प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाने में लगने वाले किराए का भुगतान सरकार देगी। श्रमिकों से कोई किराया वसूला नहीं जाएगा। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहे और स्वस्थ रहे।